अभी ये जितने लोग शांत बैठे हैं ना और जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, अगर इनसे पूछो ना गाड़ी कौन सी चाहिए, जगुआर। आवाज निकल नहीं रही है, जगुआर भी गई, मैं कहां फंस गई, पहली बार तो आएगी नहीं। माय डियर फ्रेंड, जगुआर जैसी गाड़ी ही लेना, आवाज चाहिए। सो एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग। क्या बात, नींद तो नहीं आ रही। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जिन चीजों को अपना के मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्या वो जानना चाहते हैं? Yes. Yes or no? मैं वो 10 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जिनको अपना के मैं यहां तक पहुंचा हूं। याद रखना मेरी एक बात जीवन में, कि कोई इंसान किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, हर एक इंसान दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। एक इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो है खुद आप। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी चीजें बताऊं इसे इंप्लीमेंट करना है। अपने गुरु को मत मानो, गुरु की मानो। गुरु को मत मानो, उसकी मानो, जो वो बोलता है उन्हें मानना है। तो माय डियर फ्रेंड, 7 बेसिक स्टेप्स वेस्टीज के किससे पता है, कितने लोगों को पता है? वेरी गुड, वो मैं बताने भी नहीं वाला। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन चीजों को करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। अच्छा, कोई भी डायरी पेन निकालने की जरूरत नहीं है, पता नहीं लोगों ने कहां कहां से यूट्यूब पे डाल दी है, सब वहां से मिल जाएगा। आपको दो चीजें देखनी है, मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कैसे बोल रहा हूं, राइट? दो चीजें देखनी है, मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे बोल रहा हूं। ये मैंने सर को दे दी है, ये डाउनलोड कर ली है सर ने, आप इनसे ले लेना, पढ़ते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी दूर कर रहा हूं, राइट? सो मैं बस ये देखो कि मैं बोल कैसे रहा हूं। तैयार है? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने बच्चों को इसी ट्रेनिंग से आतंकवादी बनाता हूं जो मैं आपको देने वाला हूं। सो गेट रेडी माय डियर फ्रेंड। किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा दो चीजें होती हैं, क्यों करना है और कैसे करना है। Am I right? Yes. Am I right? Yes. क्यों करना है और yes. कैसे करना है? बट बहुत सारे लोग, 90% लोग जो कामयाब नहीं होते ना, वो इसमें अटकते हैं। होगा कैसे सर, करूंगा कैसे सर, कैसे कैसे सर, आपने तो कर लिया सर, मेरा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये 90% लोग हाउ वाली कैटेगरी में आते हैं। 10% लोग जो कामयाब होते हैं वो वाई वाली कैटेगरी में आते हैं। आपको भी लगता है यस और नो? यस और नो? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं अपना वाई क्लियर कीजिए कि आप वेस्टीज कर क्यों रहे हैं। अगर वाई क्लियर नहीं है, हाउ क्लियर नहीं होगा। अगर वाई क्लियर है, हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, कितने लोग पहली बार आए? वेरी गुड। दुआ करो, थोड़ी देर तो खड़ा रहता हूं मैं, देखूं तो सही कितने चेहरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर, योर गुड नेम? टॉफिक अब्बास जी, बड़ा टॉफी वाला नाम है सर। वेरी गुड, अच्छा नाम है टॉफिक जी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। टॉफिक जी भागो, मैंने फारसी में बोला क्या? टॉफिक जी मेरे से पूछ रहे हैं भागो, स्माइल के साथ पूछ रहे हैं। अब सिचुएशन को अगर चेंज करें, टॉफिक जी के पीछे अगर कुत्ता दौड़ रहा होता तो टॉफिक जी से कहते मैं भागू? भागते नहीं भागते। क्यों भागते? क्योंकि पता है ये पप्पी ले लेगा, और इसने पप्पी ले ली तो इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे वो अलग चीज है, पर जहां लगेंगे वो अलग। ये सुन लो, तो अब क्या क्लियर है? मेरे कहने से नहीं भागेंगे, पर जब कोई एक रीजन मिलेगा तब भागेंगे। यस और नो? अब इनका वाई क्लियर। अब इस सिचुएशन को एक और बार चेंज करते हैं। अगर इनके पीछे गैंडा दौड़ रहा हूं, गैंडा, तो भागेंगे नहीं भागेंगे? भाई साहब, इनके अंदर बंदर की आत्मा आ जाएगी, हो सकता है कहीं चढ़ चुड़ा जाए। यस और नो? अब जितना बड़ा वाई हो जाएगा ये उतनी तेज दौड़ेंगे। सिचुएशन को चेंज करते हैं। अगर इनके पीछे पिल्ला दौड़े तो क्या ये भागेंगे? ये पता क्या करेंगे? ये भागेंगे नहीं। वाई कितना सा है?
तो जो बहुत सारे लोग वेस्टीज में कामयाब वो नहीं हो पाते जो ये कहते सर 10,000 रुपए महीना आ जाएगा, 15,000 ही दे दो सर, चला लूंगा इसमें काट लूंगा। पर जो बड़ा वाई लेके आते हैं वो उतनी तेज दौड़ते हैं, उतनी सफलता पे पहुंचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसको कस्टमर एग्जांपल कि जितना बड़ा आपका वाई होगा उतनी तेज आप दौड़ेंगे। मेरा वाई क्लियर था, अगर मैंने दौड़ा ये पिताजी घुसा देंगे फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, 16 साल की उम्र से आज तक वो काम कर रहे हैं तब पैसा है, फैक्ट्री नहीं खोलेंगे पैसा। और वेस्टीज में अगर 3 साल काम कर लिया तो 30 साल किसी की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए, वाई कुछ भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी टारगेट्स, आपकी रिक्वायरमेंट, कुछ भी आपका वाई हो सकता है। आपके घर में एसी नहीं है वो भी आपका वाई हो सकता है, आपकी मदर आज भी हाथ से कपड़े धोती है वो भी आपका वाई हो सकता है कि मुझे अपनी मदर को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करनी है। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी वाई हो सकता है। मैं इस बार, मुझे नहीं पता कितने बच्चे ऐसे होंगे, मैं इस बार फॉरेन ट्रिप में क्रूज में अपनी मदर और सिस्टर को साथ लेके जा रहा हूँ, ये भी मेरा वाई था कभी, राइट? उन्होंने विदेश घुमा, तीर्थ यात्रा कराते हैं बहुत सारे बच्चे, अरे हम तो विदेश यात्रा करें, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, वाई क्लियर कर लेंगे, ये सुन रो, ये सुन रो। पहला पॉइंट है कमिटमेंट, किसी भी काम को करने के लिए और उस काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है वो होती है वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि वो कमिटेड नहीं हो। कमिटमेंट मतलब आप समझते हैं? Yes. मेरे सामने गमले हैं क्या? यस, गमले। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, तुम ना गजबत वाले उल्टा समझते। वांटेड पिक्चर देखी है? yes. सलमान खान की? yes. क्या बोलता है वो, एक डायलॉग है, हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वेरी गुड, वो कमिटमेंट होती है कि भाई एक बार जो बोलती है वो करना है, yes or no? yes. ये पुरानी हो गई, पिक्चर भी पुरानी होगी, कमिटमेंट भी पुरानी होगी, मैंने नई नई मार्केट में निकाली है। जो एक पान का नहीं पिलिंदा बने, फैमिली शो है, राइट? समझ रहे? सो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट फॉर 3 इयर्स। वेस्टीज में आए रातों रात, बहुत सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, कैसे बनोगे? 3 साल लगते हैं। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन एक कसम खाई थी कि शिवम 3 साल वेस्टीज में दिल लगा के, जान लगा के, सब कुछ लगा के काम करना है, और 3 साल बाद जो मेरी आमदनी होगी तब ये डिसाइड करूंगा कि कामयाब हूं या नहीं हूं, वेस्टीज करना है या नहीं करना। बहुत सारे लोग 1-2 महीने 3 महीने बड़े हमसे ना हो पाया, तुम्हारी बना। माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट चाहिए होती है। पहले साल सीखेंगे, पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। पहले साल तंबाकू निकाल लो, थोड़ी देर मार लो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर पहले साल, दूसरे साल कमाएंगे, दूसरे साल है, दूसरे साल सिखाएंगे। पहले सीखना भी है, फिर सिखाना भी है, और फिर कमाना है, और फिर उड़ाना है, ठीक है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, किसको उड़ाओगे भाई साहब? पहले ये बात करवाली, बार वाली करो, किसी को भी उड़ाओ, उड़ाना है। तो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट फॉर, तैयार है? ये सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो महीने 2 महीने में चमत्कार चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 1.5-2 लाख सीधा आ जाए, उनसे एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आपसे भी ये सवाल करते होंगे, आप कितना कमा रहे हो, है ना? मुझे एक बात कि जी, मैं भी आपको एक बात अपने ऊपर एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं, मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी 18 साल की स्कूलिंग हुई, 3 साल की ग्रेजुएशन,
21 साल तक मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे, मेरे कपड़ों पे, मेरी किताबों पे, मेरी एजुकेशन पे लाखों रुपए खर्च किए। और 21 साल बाद जब एक पट्टा जॉब लेने निकलता है तो कितने की लगती है? कितने की लगती है? 10, 12, 15, 20। वहां तो वो ये नहीं कहता 21 साल लग गए, मुझे 15,000 दे रहे हो। वहां तो वो सवाल नहीं करता। और वेस्टीज में पैदा होती चेक चाहिए। बाली सर ने उधार लिया था क्या आपसे? टाइम होता नहीं है, अपना समय देते नहीं है। अच्छा, चेक भी किसे चाहिए होता है? जो 8 घंटे जॉब करता है, 1 घंटा पता नहीं वेस्टीज करता भी है या नहीं करता, उसे चाहिए। 10 तारीख को कहते हैं सर मेरा चेक नहीं आया। मैं कहता हूं, मैं अगर बाली सर की तरफ होता ना तो तुम्हें ब्लूटूथ से घुसंड मारता। 8 घंटे जॉब कर रहे हो, 1 घंटा पता नहीं पार्ट टाइम कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ पता नहीं, और उसके बाद कह रहे हो पैसे नहीं आए। माय डियर फ्रेंड, सुबह 10 बजे निकलता था, रात को 10 बजे घुसता था। उस लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ काम किया है। एक पिक्चर बनने में 3 घंटे की पिक्चर बनने में 3-3 साल लग जाते हैं। एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, पहली पिक्चर रात रात सुपरस्टार बना दिया। कौन सी थी? कहो ना प्यार है। हमने कहा हाँ हाँ प्यार है, अच्छी लगी। यस और नो? 3 साल लगे उस पिक्चर को बनाने में। मैं ये सोच रहा था कि 3 घंटे की मूवी को हिट कराने के लिए 3 साल लग जाते हैं, कितने लोग उस पर मेहनत करते हैं। हमें तो अपनी जिंदगी को हिट बनाना है, क्या 3 साल नहीं दे सकते? क्या 3 साल नहीं दे सकते? रातों रात पैसे छापने की मशीन वेस्टीज नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा पैदा हुआ और गोद में आते ही आपने बोला भाग, इनका भाग, और वो भाग रहा था? कितनों का भागा बोलते वैसे? आपको पता है प्रोसेसिंग से बड़ा होने में टाइम लगेगा, इसे समझने में, सीखने में सब कुछ टाइम लगेगा। हर अच्छी चीज को बनने में समय लगता है, तो एटलीस्ट वेस्टीज में अगर सफलता की गारंटी चाहिए तो 3 साल की पहले कमिटमेंट चाहिए। कि कुछ भी हो जाए 3 साल तक कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई किसी का फंक्शन नहीं, 3 साल की कमिटमेंट। व्हाट मे कम, एक लाइन लिख लो, व्हाट मे कम, कुछ भी आ जाए, कोई सिचुएशन, कैसी प्रॉब्लम, मैं पीछे नहीं हटूंगा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट रखिए। कितने साल की? 3 साल। कमिटमेंट बदली नहीं जाती, फिर वो कमिटमेंट नहीं होती। मेरे ग्राउंड लाइन कहता सर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनी। मैंने कहा वेरी गुड। कहता सर दूसरी बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनी। ना वेरी गुड। कहता सर तीसरी बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद कोई मेरी भी नहीं सुनता। ये आर्मी पर्सन है, इन्हें एक चीज पता है, जीना है तो इस देश के लिए और मरना है तो दैट इज कमिटमेंट, राइट? माय डियर फ्रेंड, बी कमिटेड, अपने आप से कमिटमेंट रखे। कुछ भी हो जाए 3 साल तो दूंगा, 3 साल तो दूंगा, 3 साल बाद देखेंगे, राइट? तैयार है? Yes. Yes or no? Yes. पीछे वाले? Yes. आगे वाले? Yes. इधर वाले? Yes. इधर वाले? Yes. क्या बात? So, समझ में आया है? और एग्जांपल दूं? आगे ना? Yes. बहुत सारे आते हैं, मुझे दे दो। दूसरा पॉइंट है, डोंट प्रीजज एनीवन। कौन बने हुए हैं? टकले सर को ढकले। कौन है? कौन है? अंडे जे। ये बहुत अच्छा काम करते हैं जीवन में, भगवान वाला काम करते हैं, पर ऐसे कई पंडित जी हमारे वेस्टीज में भी होते हैं जो प्रीजज करते हैं। इसे दिखाऊंगा ये नहीं करेगा, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो मोटा है, ये तो छोटा है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो नाटक। अरे तुम क्या पंडित हो? एक बात हो, तुम्हें कैसे पता वो नहीं करेगा? हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और उसकी कमर साथ ना देती हो गाड़ी में बैठने के लिए, तो प्रोडक्ट तो उसे रिकमेंड कर सकते हैं।
प्री जज मत करना, मैं अपनी पूरी टीम को कहता हूँ जो मिले छोटा मोटा काला गोरा नाटा बाटा पकड़ लो। हर गधा किसी घोड़े को जानता है। मैंने बहुत सारे गधों से एलओबी निकाली है, बहुत सारे गधों से मैंने अच्छे अच्छे लिंक निकाले। बावन तास के पत्ते होते हैं, आपने पहला पत्ता उठाया जोकर निकला तो क्या हुआ, दूसरा उठाया फिर जोकर निकला तो क्या हुआ। आपको इतना तो पता है कि जब तक मैं बावन तक पहुंचूंगा चार इक्के तो मिल चुके होंगे। बहुत सारे लोग बावन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो पंडित होते हैं। देखो वैसे तो मैं भी पंडित हूं पर मैं पंडितों वाले काम नहीं करता, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड प्रीजर, क्या नाम है सर, अब्बास जी, हेलीकॉप्टर से कूदने के 5 लाख रुपए मिलेंगे, कूदोगे? भले आदमी ने पूछा ही नहीं कि सर हेलीकॉप्टर खड़ा है या उड़ रहा है। पहले प्रीजज कर ले, उड़ रहा हूँ अभी, मेरा अकाउंट कर देते खाली। प्रीजज ये होता है, समझ रहे। दो डॉक्टर थे, बड़े आपस में बहस हो गई, मैं बढ़िया डॉक्टर। सामने से एक लड़की आ रही थी, ऐसे आ रही थी और उसने कहा अच्छा तू बढ़िया डॉक्टर है, बता क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जी इसकी ना एंकल इंजरी हुई है। यार तुम बताओ, कहता इसकी ना इसका पैर मुड़ गया है। चलो दोनों पास चल के पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, पता लग जाएगा कौन बढ़िया डॉक्टर। कहते मैडम आपको ये हुआ है, कहती नहीं। मैडम ये हुआ है, कहती नहीं। क्या हुआ है, मेरी सैंडलिंग टूट गई है भाई साहब। प्रीजज क्यों करना है, सबको दिखाओ, जिन्हें आप जानते हो उन्हें कोई और भी जानता है। तैयार है, दिखाएंगे सबको, जो मिले अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को दिखाओ, कोई ना कोई किसी ना किसी अच्छे लिंक से आपको मिलवा देगा। तैयार है, पक्का? तीसरा पॉइंट, चेंज योरसेल्फ। बहुत सारे लोग दुनिया बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि भगत सिंह जी पैदा जरूर हो पर मेरे घर में नहीं, इसके घर में। माय डियर फ्रेंड, चेंज होता है दो तरह का, जिसमें पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज, जो दिखता है वो बिकता है। अपने आप में पहले बदलाव लाइए। हमारा हर्ट होता है, हर्ट दिल है, दे रखा है किसी को, जिन्होंने बोला नहीं उनका कहा है दिल है, ये दो बार धड़कता है, पहले धक में ये खुद को ब्लड देता है और दूसरे धक में ये पूरी बॉडी को ब्लड देता है। तो जो पहले खुद को नहीं दे सकता वो पूरी बॉडी में नहीं दे सकता, इस बात को समझना। तो जो खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता वो इस दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकता। फिजिकल चेंज, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं ऑफिस में चप्पल में आ जाते हैं, टी शर्ट में आ जाते हैं, कहते हैं मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, वो कहता ससुर अपनी तो बदल ले। माय डियर फ्रेंड, कैरी योरसेल्फ रिच। अपने आप को ऐसा, आपके जेब में 1 रुपया या 1 लाख रुपए ये किसे पता है, सिर्फ आप। कैरी योरसेल्फ रिच। सामने वाला वाली सर भी बोलते हैं, किताबों में लिखा हुआ है नो वन बाइज योर प्रोडक्ट, एवरीवन बाइज यू। कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई मरा नहीं जा रहा किसी ऑफिस के बाहर देगा फ्लैक्स तो मर जाऊंगा, तो मर रहा है फ्लैक्स के बिना। कोई इंसान किसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करता, अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, आपने उसे दिखाई नहीं दिया कि ये बंदा मेरे सपने पूरे करा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर बदलाव लाना। हमेशा बड़े ठंडे रहो यार, डीओशीओ लगा के रहो, समझ रहे हैं। फिजिकल चेंज, जो दिखेगा पता तो है, काम का मुझे इतनी दूर से बुलाया है, बुलाते, यही समझाता हूं मैं तुम्हें पता है। माय डियर फ्रेंड, पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज, साइंस वाले यही समझते हैं।
दूसरा है वर्बल चेंज। आपस में एटिकेट से कल्चर आपको मेंटेन करना होगा। मेरी पूरी टीम में मैं बोल के रखता हूं जी सर और मैडम, इन तीनों के साथ बात हो। डाउनलाइन को जी करके बात करना है, अपलाइन को सर करके बात करना है, लेडीज को मैडम करके बात करना है। आप जैसा दोगे वैसा लोगे। प्यार से बोलो कि इज्जत मुफ्त मिलेगी। अपलाइन आपसे उम्र में बेशक छोटा क्यों ना हो, वो वेस्टीज में आपसे नॉलेज में बड़ा हो सकता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आपस में एक कल्चर प्रमोट कीजिए और मेक अ गुड कल्चर। हमारी पूरी टीम में कोई कैसा भी हो, जी सर मैडम नाम लेके कोई किसी से बात नहीं करता। बिस्किट के आगे भी लगा होता है पार्ले जी, आपको नाम के आगे लगाने में दिक्कत है, राइट? और आप देखो अब्बास जी आपके साथ कौन बैठे हैं, दीपक जी। अब्बास जी दीपक जी को गाली देंगे तो दीपक जी पप्पी देंगे, क्या देंगे, ये भी देंगे। तो ये जैसा देंगे, सो माय डियर फ्रेंड, एक कल्चर प्रमोट करना है। तैयार है? यस सर। नो, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, वेस्टीज टूल्स, वेस्टीज के औजार। बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं अपनी कामयाबी का राज, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है ये दो चीजें। और एक हैरान कर देने वाली आज मैं आपको बात बताता हूं, मैं ग्राउंड डायरेक्टर बन गया हूं, 3 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई है, आज तक मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इस फाइल से मीटिंग करता हूं। फाइल फोल्डर, वेस्टीज के टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये फाइल लिए, ये विराट कोहली का बैट है, बैट। अब विराट कोहली सोचता आप किधर है, मैं पहले क्रिकेटर बनता हूं बाद में बैट खरीदूंगा। आप ज्यादा लोग कहते होंगे सर यूनिफॉर्म सर डायरेक्टर बन जाऊंगा तो ले लूंगा, यूनिफॉर्म कहती है मुझे ले तब बनाऊंगी। माय डियर फ्रेंड, ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ मैंने अपने सर से बोला सर प्रोडक्ट जो दे रहे हैं दे दो, पहले मुझे फाइल फोल्डर दे दो, मैं आपको हर जगह नहीं ले जा सकता। मेरे अपलाइन ने मेरी 4 मीटिंग करी थी उस दिन का, आज दिन एक भी मीटिंग नहीं करी, शेर का बच्चा अकेला। अच्छा, टूल्स हमारे पास है, कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपलाइंस को ड्राइवर बना के काम करते हैं। ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट, नॉट अ ड्राइवर। अगर अपलाइन भागेगा, अपलाइन काम करेगा तो अपलाइन का चेक आएगा, आप भागोगे तो आपका आएगा। माय डियर फ्रेंड, ये फाइल फोल्डर पहले दिन परचेज किया, प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड, ये फाइल आज परचेज कीजिए और इसे बोलना सीखिए। और ये इस चीज से मत डरा करो सामने वाले, सर मेरे पास तो अचीवमेंट नहीं है, तो आपके अपलाइन का पैदा लेके हुए थे अचीवमेंट, उनके पास भी नहीं थी, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा जरूरी है फाइल आपके पास हो। हर प्रोडक्ट की 2-3 लाइन याद कर लो। आप इस स्पिरुलिना को पुदीना बोलो, सामने वाले को क्या पता, वही करेगा, उसकी मजबूरी है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तुम नोली को गोली बोल दोगे उसे क्या पता। मैं अपनी टीम को कहता हूं ये उठाओ और भागो, ये उठाओ और खेलो जितना खेलो, ये बैठ गया। और ये पता ही क्या है ये ब्रह्मास्त्र, पीछे वालों को लगता पता नहीं है क्या है ये, ये कारबुक नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, डिवाइन वेपन। बहुतों पे छोड़ा है मैंने, बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन कराने आते थे, इसे देख के मेरे होके रह जाते। एक आदमी का मैसेज आया देहरादून से, सर शिवम जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा जी सर बिल्कुल बताइए, सर मुझे आपको अपनी कंपनी का प्लान लिखना था। मैंने कहा सर बिल्कुल बताइए। कह रहा सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल आइए। मैंने कहा दिल्ली में कहाँ आ रहे हो, कह रहे रमेश नगर। मैंने कहा ले ये तो मेरे घर में ही आ रहा है। मैंने आ जाओ सर। मैंने उसे ऑफिस में बिठाया, कह रहा सर बताइए अपने बारे में। मैंने कहा अपने बारे में बाद में बता दूंगा, पहले जिस ऑफिस में बैठा उसके बारे में बताया। तो मैंने कार बुक खोली, फिर मैंने बोला अब बताइए सर, आप बताइए। तो कुछ नहीं सर, बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप कुछ बताने आए थे मुझे। नहीं सर, आप बताइए क्या करना है। वो ज्वाइन होके गया। ये तो वही बात होगी कि एक आदमी की भैंस बीमार पड़ी, उसे गोली दे रहा था, वो खा नहीं रहा था, तो उसने दिमाग लगाया आपकी तरह। आप में तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, सुबह भी दिमाग लगाते हैं, रात को भी लगाते हैं, बीच में पता नहीं क्यों नहीं लगाते।
तो उसने दिमाग लगाया, उसने पाइप लिया, पाइप में गोली डाली और भैंस के मुंह में डाली और दूसरा छोर अपने मुंह में और फूंक मारा। उधर से भैंस ने एक ही फूंक मारी, तो जो गोली लेनी थी वो लेके आ गया। तो बहुत सारे दूसरी कंपनी वाले आते हैं, मुझे लेने आते हैं, पर मेरे ही होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ब्रह्मास्त्र। आज एक कंपनी दिखा दो जिसकी मात्र 1000 रुपए की ज्वाइनिंग हो, एक कंपनी दिखा दो जिसमें 5000 से ज्यादा ऑफिस हो, एक कंपनी दिखा दो जिसमें 150 से ज्यादा लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां हो। ये 3 चीजें ऊपर चैलेंज है। गूगल कर लेना, गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना, एक ही कंपनी नजर आएगी, दैट इज वेस्टीज। आस पास भी नहीं है कोई हमारा। और ये बहुत सारी कंपनियों के पास अचीवमेंट होती नहीं है, एक दो गाड़ियां यूं दिखाते रहते हैं। आपके पास अचीवमेंट है, कंपनी ने बनाई है दिखाने के लिए, आपके बैंक में नहीं। माय डियर फ्रेंड, आज मेरा इतना बड़ा चेक हो गया है, उसके बाद भी अगर आज मैं कहीं बिना कार बुक के चले जाऊं ना, तो मुझे लेस कॉन्फिडेंट फील होता है। आई एम लेस कॉन्फिडेंट। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। कंपनी ने किसके लिए निकाला है ये कार्निवल फंक्शन? इतने रुपए खर्च हुए किसके लिए करें? जस्ट आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि हम लोगों को विश्वास दिला पाए कि वेस्टीज वो कंपनियां नहीं है, वेस्टीज एक रिवॉल्यूशन है इंडिया में, एक रिवॉल्यूशन है इंडिया में। माय डियर फ्रेंड, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। 2004 से लेकर आज तक डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग फंसते कहां हैं जिन्हें बैठे बैठे चाहिए? घर बैठो, कुछ नहीं करना, लाइक करना है, पिटासना जेल में बैठो, कुछ नहीं करना, फ्यूचर ब्रेक कर दिया। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मेरी बात निकले। सपने आपके पूरे आपको करने पड़ेंगे। सूरज की तरह चमकना चाहते हो? Yes. Yes or no? Yes. चलेगा कौन? Yes. जन्नत देखना चाहते हो? Yes. पिक्चर नहीं बोल रहा, मरने के बाद जो जन्नत होती है। जन्नत मरेगा कौन? इसे मार दो यार, कभी शादी नहीं हुई है। माई डियर फ्रेंड, सपने आपके हैं, पूरे भी आपको करने पड़ेंगे। और ये वो चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में। मेरी टीम में कोई ज्वाइन प्रोडक्ट बाद में लेता है, पहले ये लेता है। मैं कहता हूं भाई ले ही मत, ले ही मत। वेस्टीज में आ रहे हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हो, तो पहले ये लेना है, बाद में प्रोडक्ट लेना। तो जब ये पड़ा होता है ना, उसके बाद वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी को भी दिखाते हैं। So, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। होंगी? Yes. होंगी? Yes. पीछे कई दिन कई लोग तो ऐसे होते हैं जैसे पुण्य तिथि के दिन पैदा हुए, उनसे कुछ भी बोल लो उनके हाथ ना खुला सके। भाई मोदी भी आ जाए वो भी ना खुला सके। यू अच्छा सिखाएगा हमें? छोटा बच्चा जान के हमको। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। फ्लेक्स ऑयल जीता जागता डेमो है। फ्लेक्स के बारे में हमें पता नहीं पड़ता, फ्लेक्स खुद अपने बारे में बताता है। किसी का हाथ जादू आएगा, जादू तो वैसे अपना हो जाता है ये देख के, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, ये साबुन आप बताइए, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए अपने प्रोडक्टों को लेके। हमारा साबुन है, इसका ग्रेड कितना है? ग्रेड समझते हैं, हर साबुन का एक ग्रेड होता है, TFM होता है। जिन साबुन का ग्रेड 2 या 3 होता है, TFM 70 से नीचे होता है, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। उनसे पूछो कौन से साबुन से नहाते हो? लक्स लाइफबॉय। जगह से अमेरिका में जानवर नहाते हैं, इंडिया में इंसान नहाते हैं। और तभी फिर पता है क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं किसी चौराहे पे, एक आदमी आता है, सर 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 ये ले लो, और वो पता है क्या होता है? हाथ। और वो हाथ पता है किस लिए होता है? जहां तक आपका हाथ ना पहुंचे उसे वहां तक पहुंचाएंगे, जाने के लिए। और वो पता है किस लिए होता है? क्योंकि ये चाइना वालों ने इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के लोग थर्ड ग्रेड साबुन से नहाते हैं, और वो मॉइस्चर ले लेता है पूरा। थर्ड ग्रेड साबुन से नहाते हैं, वो पूरी बॉडी का मॉइस्चर ले लेता है। और हम बंदर से इंसान बने हैं और ये साबुन पूरी मेहनत कर रहे हैं हमें इंसान से बंदर बनाने में। तो उन्हें समझाओ, हम इनसे समझा नहीं पाते, हम इनसे डाउट क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करता।
ये डिओड्रेंट अपने पास रखो, कितने अच्छे अच्छे परफ्यूम निकाल ले, लगा के भी रखो और अपने पास भी रखो, जिसे मीटिंग दो उसके हाथ पे मार दो, नाक में मुंह पे मार ही दो, दूसरा नाक भी पहुंचेगा तो पता लगेगा वेस्टीज की मीटिंग में गया था। रखो अपने पास, उसे बताओ भाई देख कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, देख हाथ पे लगा के देख कितनी देर तक रहेगी, टीवी पे जितनी एड आती है कोई सर पैर नहीं है भाई साहब, दो मिनट टीवी की एड को समझने की इंसान कोशिश करे तो वही डूब के मरता है। लक्स एड आती है, कौन करता है? ऐश्वर्या राय, मेरी सुंदर त्वचा खराब, आप भी ले लेते हो, भाभी लगाती है हम भी लगा लेते हैं, ₹10 के साबुन से ऐश्वर्या राय नहाती होगी? नहाती होगी? उनका डॉगी भी नहीं नहाता होगा। एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ, पीछे से एक औरत आई दरवाजा तोड़ के, भाई साहब खोल के नहीं आई, तोड़ के, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? मेरे 3 बार दर्द हुआ भाई साहब, 10 बार देखा कोई औरत नहीं आई, झूठ बोलते हैं। थोड़े दिन में कहेंगे आपके टूथपेस्ट में हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट में शाही पनीर भी नहीं है, क्या लॉजिक है इन चीजों का? और हम ले लेते हैं कोल गेट, आज तक गेट ही नहीं खुल रहे भाई साहब। सोच के देखो, एक आदमी डीओ लगाता है 10 लड़कियां आती है उसके पास, यहाँ भाई साहब यूनिवर्सिटी के बच्चे एक दिन में 2 डीओ खत्म करते हैं, कोई नहीं आता उनके पास, कोई नहीं आता। टीवी की अगर बंदा एड समझ ले तो वही डूब के मरने की कोशिश करे, तो उन्हें समझाओ ये कोई सर पैर नहीं है, बेचने के लिए पागल बना रहे, हर कोई चीज बिकती है अपनी क्वालिटी की वजह से। एक है वोडाफोन और आइडिया, दोनों में से अच्छा नेटवर्क किसका है? वोडाफोन। आइडिया की एड कौन करता है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन आया होगा 2-3 करोड़ रुपए लिए होंगे। वोडाफोन की एड कौन करता है? कुत्ता। सर बेचारे पेडिग्री खाई होगी 100 रुपए की, और दोनों में से हिट किस कौन सा है? किसी को भी मिलाओ बिकेगा वही जिसमें क्वालिटी है, और दैट इज द रीजन आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी। दिखाइए लोगों को, दिखाएंगे? Yes. रखेंगे? Yes. Thank you. ये 3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगती है वेस्टीज में, और लोगों को इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व करने वाला हूं, तैयार है? Yes. ऐसे तैयार हो गए तो मैं चले जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तैयार है? वेरी गुड। दूसरी बार भी तो समझ में आता भाई, वेस्टीज में 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप। अब बहुत सारे लोगों को इनविटेशन में दिक्कत होती है। अच्छा कई लोग तो मुझे इतने ऐसे क्या बताऊं, सर मेरी तो गेस्ट लिस्ट खत्म हो गई। अरे इंडिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ लोग खत्म नहीं हो सकते। मैंने अपने डाउनलाइन में मेरे से गलती से बोल दिया, मैंने उसे बाइक पे बिठाया एक सरकारी स्कूल के आगे खड़ा कर दिया, देख मैंने कहा देख अभी यहाँ से साइंटिस्ट निकलेंगे कितने, रॉकेट साइंस बनाएंगे, और फिर देखो छुट्टी होते ही माँ बहन करते हुए निकल रहे हैं सारे साइंटिस्ट। मैंने कहा तुझे क्या लगता है कहाँ जाएंगे ये, कौन से नासा में जाने वाले भाई, हमारे डाउनलाइन में आने वाले, इंडिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, किस बात की चर्चा चल रही है टीवी में, अमेरिका ने युद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा? अरे मैं कह रहा हूं काहे को बारूद वेस्ट कर रहा हूं, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, क्या दोबारा बना देंगे आदमी? तो लोग कभी भी खत्म नहीं होते, ये आपके सोच में है, हर 2 हाथ पैर वाला अपना गेस्ट है, एलियन नहीं है, उसे भी हिंदी आती होगी, वो भी नहाता होगा, वो भी खाता होगा, समझ रहे? पहली चीज जरूरी है इनविटेशन। इनविटेशन का तरीका बताऊं या आता है? पूरा वसूलोगे? चलो इनविटेशन के कुछ तरीके बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है सामने वाले की नीड देखनी, नीड किसे, जरूरत किस चीज की। अब बहुत सारे लोग नीड नहीं देख पाते,
या डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो हमें वही दवाई देता है जो हम उसे प्रॉब्लम बताते हैं नीड के अकॉर्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड, सामने वाले की नीड देखो, उससे बात करके उसकी नीड पता लग जाएगी। मैंने एक ग्राउंड लाइन कह रहा, सर हमें कैसे पता लगेगा सामने वाले को क्या चाहिए? मैंने कहा भले आदमी कुत्ते को देख के पता लग जाता है प्यार करने आ रहा है काटने आ रहा है, आदमी को देख के बात करके पता नहीं लगा पाओगे? तो सामने वाले की पहले नीड देखो। दूसरी चीज, दूसरा तरीका, आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और आपको आपसे वो पूछते हैं कैसे हो, आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं? कट रही है, अच्छे हैं, मस्त है, जबरदस्त है, कभी कभी दस्त लग रहे हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना लोग, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कट रही है। मैंने एक से पूछा, इधर आ भाई, तू ये पहले ये बता कहां कहां से कट रही है, क्या बोलते हैं? सो आपसे जो भी अब कुछ बोले यार, आप बोलो मैं मस्त हूं, तो मस्त के आगे दो चीजें और लगानी है, इस पर मैं खा के मस्त हूं, भाई तू बता कैसा, क्या बोलना है? इस बार भी लोटी खा के मस्त हूं यार, तुम सोचेगा ये बोला क्या, छोड़ इग्नोर, अगले दिन फिर फोन करेगा, और भाई कैसे हो, भाई तुमने इस बोलना खाके मस्त हूं, तू बता क्या, आते हैं इनके अंदर ही कीड़ा पाया जाता है, छेड़ खाने का कीड़ा, आपको अपनी टेबल से अखबार मैगजीन वगैरह हटा के वहां पे वैसी की पैक कर, ठीक है? आपने क्या करना है, फाइल फोल्डर रखना है, और अगर उसने गलती से फाइल में हाथ डाल दिया पीछे अंदर कमरे में, तुम करोगे यस, वो आपसे पूछेगा भाई ये क्या है, हो गया मेरा काम, मैंने अपने घरों में बहुत लोगों को ऐसी काटा है, दिवाली पे मिठाई का डब्बा भी देके जाते हैं और रुपए भी देके जाते हैं, ऐसा कहीं होता है? अब से होगा, आपसे करना, भाई करते ना, तैयार है? एक और तरीका बताओ, आगे वाले शायद DUCT बैठे हैं, इन्हें सारे पते हैं, बताओ माय डियर फ्रेंड, अननोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? कई लोगों का सवाल होता है सर मैं नॉन लोगों से बात कैसे करूं, कहीं भी आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक अननोन गर्लफ्रेंड को फोन लगाना है, यानी 1-1 कस्टमर केयर पे फोन लगाना है मैडम को, 1-1 वहां बैठ के बस बड़ी बड़ी बातें करनी है, हाँ भाई चेक आ गया यार इस बार 2 लाख का चेक, अरे यार अभी देख हम क्रूज पे जा रहे हैं, कल साथ वाला देख ना, उसकी हिम्मत होगी करता क्या, मैं पूछू, हाँ भाई बस इस बार टीम में इतने लोगों के चेक 1 लाख से ऊपर आए हैं यार, बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, अभी बहुत बड़ा हम करने वाले हैं और अपना चेक में भाई करते क्या हो गया, टेक्निक है ये, समझ गए? अब मेरा तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मेरा है, अब तुम अपना चेक में बोलो 2 लाख को वो कहेगा भाई दिखा, तो जितना हो उतना बोलना, अरे यार हमारी कंपनी में लोग इतने ऑडी BMW चला रहे, आप अपना ना सही अपनी कंपनी के बारे में कर लो बात, राइट? Yes. और पांचवा तरीका, माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने उसे बुलाया वो आया नहीं, मैंने उसे बुलाया वो आया नहीं, तो क्या हो गया, आप उसके पास चले जाओ, ऊपर वाला खाना चिड़िया को भी देता है पर क्या घोंसले में देता है, वो भी बाहर निकलता है, उसे भी उड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो बाहर निकलो माय डियर फ्रेंड, ढूंढो काम जरूर मिलेगा,
राइट। इसके अलावा एक और तरीका बताओ, लूट लो पूरा। बहुत सारे लोग आपको ना, जिससे भी आप कॉल करें, आपने केयरिंग नेचर दिखा और घर में सब कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बड़े मम्मी कैसे हैं, मम्मी की तो माइग्रेन है, अरे यार मम्मी वगैरह मिला, मम्मी ठीक हो, तो अगर हूँ भाई पापा कैसे घुटनों में दर्द, अरे पापा का ग्लूकोज में नोनी कैल्शियम है, ठीक हो जाए। सबके बारे में पूछो, उसे लगेगा बंदा बड़ा केयरिंग है, उसे क्या पता हम अपने लिए पूछ रहे। सबके बारे में पूछो, बस बहन के बारे में। ये पहले मैं आपको बता दूं, कभी कभी तुमने पिटवा दिया, ठीक है, सबके बारे में, राइट। सो इनविटेशन समझ में आया? यस और नो? ये टेक्निक है। दूसरा है प्रेजेंटेशन। माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट टू डिलीवर द राइट कंटेंट। प्रेजेंटेशन क्या है कि आप अपने कंटेंट को सही सामने वाले तक पहुंचा दें। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन से एक कमिटमेंट ली थी कि डेली की 5 मीटिंग करूंगा, अदरवाइज घर में नहीं घुसूंगा। डेली की 5 मीटिंग करता हूं आज भी और पहले दिन से करता हूं। 10 बजे घर से निकल जाता था, रात को 9-10 बजे से पहले घर में नहीं घुसता था। एक किस्सा आपको बताता हूं, कमिटमेंट रख रखी थी अपने आप से। हम हमेशा झूठ बोल सकते हैं, आप अपने क्लाइंट से झूठ बोल सकते हो, क्रॉस लाइन से झूठ बोल सकते हो, डाउन लाइन से झूठ बोल सकते हो, दो चीजों से कभी झूठ नहीं बोल सकते, अपनी आत्मा और परमात्मा। माय डियर फ्रेंड, मेरी कमिटमेंट मेरे क्लाइंट से नहीं थी, मेरी कमिटमेंट मेरे अपने आप से थी। एक दिन घंटे का टाइम था, रात को 9 बज गए थे, 4 मीटिंग हो पाई थी, 1 मीटिंग नहीं हो पाई। वो एक मीटिंग मैंने गली में खड़ी पे बैठे कुत्ते को दी थी। जिस दिन इस लेवल का कमिटमेंट आ जाए ना, उस दिन कामयाबी दूर नहीं है माय डियर। तो कमिटमेंट एट दैट लेवल, राइट। सो प्रेजेंटेशन करनी है 5। कुछ भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइनिंग चाहिए 5, मैं कह रहा हूं मीटिंग करनी है 5, आप करो। मुझे ज्वाइनिंग एक भी ना है कोई दिक्कत नहीं है, बस डेली काम करो। गीता में भी लिखा है बेटा, कर्म में फल की इच्छा, आप बस मेहनत करो, मीटिंग करो, काम करो, वो देगा। उसका काम है दान दिए तो खाना भी देगा, जब मेहनत कर रहे हैं तो फल भी देगा। पर हमें फल सोचना नहीं, हमें सिर्फ हाथ, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंटेशन। और तीसरा है फॉलोअप। फॉलोअप समझते हैं? फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप क्या होता है? डाउट क्लियर करना। और एक बात बताऊं, मेरे लिए तो वेस्टीज में फॉलोअप नाम का वर्ड होता ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि किसी को मीटिंग दिया, 1-to-1 मीटिंग दिया, सामने वाला आपसे ज्यादा चतुर होता है, वो आपको एक गोली देता है, सर मैं कल करूंगा या मैं शाम को करूंगा, और आप खुश हो जाते हैं, ए, मीटिंग करिए सर, आज ज्वाइनिंग आएगी, 2:30 से ज्वाइन करके गए, बोल के गए। वैसे आप शाम को से फोन करेंगे, वहां से एक लुगाई बोलेंगे, इस रूट की सारी सेवाएं बंद, हो सके तो नंबर चांस, और हो सके तो अपने आप को भी जांच करो यार क्या हो गया, तो मीटिंग करी थी, बंदा पूरा सेटिस्फाइड। आपने उसे जाने क्यों दिया? वो बोल रहा है कि शाम को, भाई जो काम शाम को हो सकता है वो अभी भी हो सकता है। कोई मिले प्रपोज मारो कल, क्या भाभी बन जाएगी? मारना होता एग्जाम्पल मैं वैसे बता, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जो मिले उसे वही पकड़ लो। वो कह रहे हैं मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मम्मी पापा पे फॉलोअप करो। वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करवाओ उसके, कल 10 लोगों की लिस्ट बना, 200 रुपए मांग दे, कभी होंगे 10 में से 5 दे देंगे, ज्वाइनिंग तो डाल पर जाने नहीं देना, वो गोली दे रहा है। 100 में से 90% लोग गोली देते हैं और आप खुशी खुशी ले लेते हो। मैं तो नहीं लेता, वो माँ कसम खा के बैठता, मैं बाप कसम खाता हूँ बेटा बंद करके ये भी ज्वाइन करके जाए। समझ रहे? सो फॉलोअप नाम की कोई चीज हो। आज ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी जेब में 1000 रुपए नहीं होंगे? आप बताओ, जिसकी जेब में डेबिट कार्ड नहीं हो, उसकी जेब में है पर आप निकलवाने में सक्षम नहीं। लोग फिसलने के लिए नहीं आ रहे, आप मक्खन ही नहीं लगाते हैं। लोग ज्वाइन होंगे, आप ढंग से बताते ही नहीं, आप ढंग से उनकी डाउट क्लियर करते नहीं, आप उन्हें विश्वास दिलाते नहीं कि आप उनके सपने पूरे करा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलोअप एट अ टाइम, नॉट आफ्टर टाइम।
एट अ टाइम करेंगे। यस और नो? यस। गिनती के 10 सवाल सामने वाला करता है, उन 10 सवाल के 10 आंसर आपको याद, 10 सवाल के 10 आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सवाल होते हैं, उनके क्या क्या आंसर देते हैं। चिंता मत करो, पूरा वसूल करके भेजूंगा। 200 रुपए जो तुम देख लेके आए हो ना यहाँ पे, सब वसूल करके भेजूंगा। अगला पॉइंट है, कोई भी संडे मीटिंग सक्सेस सेमिनार मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग, जो मैंने आपसे एक बात बोली कि 3 साल तक कसम खाई थी कोई दोस्त की पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मैयत नहीं, कुछ नहीं। 3 साल में मुझे डेंगू भी हुआ, चिकनगुनिया भी हुआ, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शिवम गोस्वामी संडे मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ। हर किसी ने प्रेजेंट था। कोई संडे मीटिंग, आज रिजल्ट ये है कि मैं आपके सामने हूं और आईडियो पे मेरी टीम की मीटिंग चल रही है जिसमें 1000 लोग बैठे। मेरे अपने सेमिनार ले लेके सक्सेस सेमिनार में आके आज अपने सक्सेस सेमिनार चालू कर दिए दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में, और जिसमें 2 सेशन बैक टू बैक होते हैं। पहले में 1000 लोग होते हैं, दूसरे में 1000 लोग होते हैं, और नए साल जनवरी से हम अपनी टीम का सेमिनार श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में करें। श्री फोर्ट पूरी टीम को पता है, मकसद है साम्राज्य स्थापित करना, एक बहुत बड़ा नाम बनना, लेजेंड बनना, और छोटे मोटे काम करके कभी कोई लेजेंड नहीं बन पाए। एंड माय डियर फ्रेंड, ये सपना लिया है, पूरी टीम को पता है कि 2020 में हमारी टीम का सेमिनार इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहा होगा, और जहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स अपने क्राउन एंड अबव की एंट्री हेलीकॉप्टर से करवाऊंगा। उसके लिए कमिटमेंट होनी जरूर आपके अंदर होगी, तभी आपकी टीम में होगी। संडे मीटिंग में सर मेरी टीम नहीं आती, आप आते। सर सेमिनार में मेरे लोग नहीं आते, आप आते। आप आइए, आपकी टीम अपने आप आएगी। याद रखिए, डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करेगी जो आप करोगे। जो आप करोगे आपकी टीम वही करना चाहिए। कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार मेरे साथ जो ज्वाइन होता है फॉर्म बाद में भरता है, पहले कमिटमेंट भरता है। पहले कमिटमेंट ले भाई, 3 साल तक कुछ भी हो जाए, 3 साल तक। अब गर्लफ्रेंड हूं मैं, तेरी छोड़ूंगा नहीं, जीने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सफलता की गारंटी अब मेरे हाथ में। तो 3 साल तक कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार। माय डियर फ्रेंड, हम जाते, सर को पता है, सिद्धार्थ सर के सेमिनार में हम जाते थे, आते आते लोग इतने बढ़ गए कि आज अपने सेमिनार हो रहे हैं, आपके साथ भी होगा। यहां पे आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। आएगा कोई नहीं, उन्हें लाना पड़ेगा, उन्हें लात मारिए। हो सकता है वो लात उन्हें ना लगे, वो लात उनकी गरीबी को लगे, पर लाइए, उन्हें समझाइए। समझ में आता है, ठीक है, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हाँ कहता है, ठीक है, नहीं कहता है, मूव ऑन, दुनिया पड़ेगी। मेरा जो इंसान 2 बार में फोन नहीं उठाता, तीसरी बार नंबर डिलीट होता। यू शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर कमिटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, कोई सक्सेस सेमिनार आपका मिस नहीं होना चाहिए। दिवाली है सर, दिवाली है, जेब में पैसा होगा, हर दिन दिवाली होगी। जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो एक ही दिन दिवाली, एक ही दिन ईद और एक ही दिन होली। जब जेब में पैसा होगा, हर दिन हमारे लिए हर दिन एक जैसा है। 6 दिन एंजॉय करते हैं और 7वें दिन भी सर फोटो, सर सेल्फी, सर ये आज दिलाता हूँ, आ जाता हूँ, आना जाना। मैं ये मेरा तकरीबन 26वां सेमिनार है, 26। पिछले 6-7 सेमिनार सारे फ्लाइट से हो रहे हैं, आना जाना। अभी मैं भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर में इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप है, उसमें उधर नहीं, रेंज रोवर खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, लोग माला पहना रहे, लोग कह रहे हैं ये हॉकी का खिलाड़ी है क्या कोई, क्या फीलिंग है, कितना मान सम्मान सब कुछ। माय डियर फ्रेंड, वो सारी चीजें आती हैं जब आप अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करते, और वो कमिटमेंट है कोई सक्सेस सेमिनार मिस नहीं होना चाहिए। तैयार है? Yes! अगला सक्सेस सेमिनार आप लोगों का 23 तारीख को। और एक और चीज, अर्ली बर्ड पहले दे दिया, अर्ली बर्ड। मेरी टीम मुझे पता है क्या कहती है, पूछती नहीं है। हमारा सेमिनार अनाउंस हुआ, सर 40,000 रुपए आपके अकाउंट में डालती है, सर टिकट भेज दो। वो एडवांस में इतने टिकट उठा लेते हैं, सर बाद में इतने और चाहिए, सर पहले बता दो। सर हर इवेंट को हम ऐसे प्रमोट करते हैं, अगर वेस्टीज में कामयाब होना है तो इवेंट सेलिंग सीख लो,
हम इवेंट को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे हमारी शादी है। कोई बूट कैंप हो, सक्सेस बाय चॉइस हो, कुछ भी हो, मैं ऐसे प्रमोट करता हूं जैसे मेरी शादी है। और सबको खींच खींच के लेके जाते हैं क्योंकि मुझे पता है सिस्टम से कनेक्ट करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी जिंदगी अकेला ही करता रह जाऊंगा। आज मुझे अपनी चार लेग पे देखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल एलोवी है, पांच भी इस महीने निकाल रहा हूं, छठी अगले दो महीने में निकाल के यूसीडी करके चेक 5 लाख रुपए महीने सारी प्लानिंग है। माय डियर फ्रेंड, कोई संडे मीटिंग, कोई सक्सेस सेमिनार मिस नहीं होगा। तैयार है? Yes. पक्का? Yes. Yes. दोस्त का फोन आएगा, भाई पिक्चर आ रही है भाभी की, चले? से कह देना रुक जा, पहले मुझे अपनी पिक्चर बनाना। मैं जो वेस्टीज की मीटिंग देता था ना, आज शायद ही कोई इंसान होगा जो वेस्टीज की मीटिंग देता है वो सिद्धार्थ सर के बारे में ना बताता होगा। सब बताते हैं? आज शायद ही कोई होगा जो बाली सर के बारे में नहीं बताता होगा। सब बताते हैं? माय डियर फ्रेंड, कुछ काम ऐसा करो कि आने वाले टाइम में वेस्टीज की हर मीटिंग अधूरी रह जाए आपके नाम के बिना। अगर वेस्टीज का नाम लिया जा रहा है आपका नाम एग्जाम्पल में जरूर लेंगे, कुछ ऐसा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, बी कमिटेड फॉर इट। तैयार है? यस। सक्सेस सेमिनार मिस नहीं होगा? यस। सोच लो। यस। जगुआर। ग्रेविटी। बहुत सारे लोग ग्रेविटी समझते हैं, हाइट समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई भी प्रोडक्ट तब बिकता है, कोई भी चीज तब बिकती है जब हम उसकी ग्रेविटी बनाते हैं, हाइट बनाते हैं, हम उसकी खूबियां बताते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट्स की और अपलाइन की ग्रेविटी बनाना सीखिए। हमसे बहुत बार गलती क्या होती है कि हम किसी बंदे को लाते हैं मीटिंग करवाने के लिए, अपलाइन से टाइम लेते हैं और अपलाइन से बोलते हैं, सर सर ये जो आ रहा है ये बम है, बम। सर अगर ये ज्वाइन हो गए ना सर, मैं बनूंगा डायमंड, आप क्राउन, मजा आ रहा है। और मैं कहता हूं ये बम तुम्हारे पैर में फटेगा। माय डियर फ्रेंड, उल्टा सीधा करो इसे। जो गेस्ट आ रहा है, मेरा कोई पर्सनल गेस्ट आता है, पहली बात तो मैं खुद ही कर लेता हूं, इन केस कभी मिलवाना हो सीनियर से तो मैं उस गेस्ट से ऐसे बोलता हूं, भाई सुन, जिस इंसान, जिस लीडर से मैंने टाइम लिया, आंखें बड़ी कर लो, आंखें बड़ी कर लो, ठीक है? हमारा ना, हमारा भी जो मोस्ट ऑफ द काम है वो यहीं से होता है, आंखें बड़ी कर लो। जिन लीडर से मैंने टाइम लिया ना, बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला है, मेरे तेरे जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, आज लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। फोन निकाल, बंद कर, स्टॉप कर, अगर ये फोन उनके सामने बजा मैं तेरी बैंड बजा। अगर आप उसे ये बता के नहीं बुलाओगे तो पहली बात तो वो कच्चे में आएगा, और जब तक आप उसे फ्लैश बता रहे होंगे उसका फोन बजेगा, अरे आ रहा हूँ यार, अरे तो क्या बता रहा है, वो लाइट नहीं लेगा, आपने उसे एडिफिकेशन नहीं दिया। तो इसमें गलती आप लोगों की है कि आप हमारी टीम में आइए, सारे बच्चे हैं, एक सेमिनार में आ जाओ या एक सीएनटी में आ जाओ, एक बंदा दिखा दो बिना यूनिफॉर्म, एक बंदा दिखा दो। डायरेक्टर बाद में बनता है, पहले यूनिफॉर्म देता है। सारे कल्चर को प्रमोट करना पड़ता है अगर आपको कुछ बड़ा करना है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट्स की ग्रेविटी बनाइए। बहुत सारे लोग, जो मेरा अगला टॉपिक है वो इसी में कवर करता हूं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैं 24 घंटे बात कर सकता हूं और वादा करता हूं किसी को टॉयलेट नहीं आएगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है एटीट्यूड। बेचने के लिए प्रोडक्ट की नहीं, आपके एटीट्यूड की जरूरत होती है। बेचने वाला आज गंजे को कंघी बेच रहा है, बेचने वाला लेस का मालिक पैकेट में हवा भर के बेच रहा है, पर बिक्री है ना। बेचने का तरीका है, बेचने का एटीट्यूड है। इंडिया में हर चीज बिकती है, मिट्टी भी बिकती है, लोग सांप भी खरीद लेंगे ये सोच के कि पड़ोसी के घर में डाल देंगे। सब बिकता है पर बेचने के लिए चाहिए एटीट्यूड। मेरे पास जब 1 रुपया नहीं था मेरी जेब में, मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, और आपसे भी करते होंगे कि आपने कितने कमा लिए,
तो उनसे एक चीज बोल देना, एटीट्यूड के साथ बोलना, और एटीट्यूड आपका आपके चेहरे पे दिखता है, कॉन्फिडेंस आपका आपके चेहरे पे दिखता है। उनसे एक चीज बोल देना कि आज मेरे सपने मेरी आंखों में देख लो, बहुत जल्द हाथों में दिखा दूंगा भाई साहब। हमेशा बोलता हूं तीन चीजें, एटीट्यूड, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, इन तीन चीजों पे काम करना है। अब बच्चों से बोलो ना, प्रोडक्ट खरीद लो, फिट तो हूं, क्या करना है? सो वहां हमें एटीट्यूड बेचना पड़ता है। एटीट्यूड अपने पास रखिए, और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। दो तरह का एटीट्यूड होता है, एक होता है बैगिंग, एक होता है गिविंग। गिविंग होता है देने वाला, बैगिंग होता है भिखारियों वाला, भाई चल ले मीटिंग में भाई प्लीज, ये होता है बैगिंग। मैंने आज तक किसी के सामने बैगिंग नहीं करी, आ रहा है तो अपने लिए, नहीं आ रहा है तो अपने लिए, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के आने से, किसी के जाने से मेरे पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज रखता हूं, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, नॉलेज बढ़ाइए। दूसरा, जितना जहां से जो मिले बटोर लो। कितनी के 10 सवाल सामने वाला करता है, उसे एटीट्यूड के साथ आंसर दे रहे हैं। शुरू में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास चेक नहीं था, दोस्त बोलते थे भाई ये तो टोपी पहनाने का बिजनेस है। मैं कहता था सुसरे पहन ले टोपी, टोपी क्यों पहनाई जाती है, इंसान सुंदर लगेगा, तू भी सुंदर लगेगा, पहन के देख, वहीं चुप हो जाता। अब आपसे कोई बोले, कितने लोगों के सामने ये सवाल आते हैं, ये तो चेन बनाने वाला काम है, तुम भी फंस गए, कितने लोग आगे आता है? आप क्या बोलते हो? देखो मैटर ये नहीं करता सामने वाला क्या सवाल पूछ रहा है, मैटर ये करता है कि आप उसका आंसर कैसे दे। सर सामने वाला बॉलर है, बॉलिंग तो कैसे भी डालेगा, आप रिप्लाई क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। एटीट्यूड आपके पास क्या है माय डियर फ्रेंड? आज एक आंसर लिख लो इस बात का, वीडियो सर बंद कर दो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लाइव नहीं है, वीडियो बंद कर दो, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कहे आप तो तंग कर रखा है बेचारे को। कोई आपसे बोले चैन वाला काम है तो आपने क्या बोलना है जानते हैं? बताऊं? कितनी यस से? यस यस जगवा कितनी यस यस यस। कई लोग अभी सोच में पड़े हैं ये उठा रहा है पिछले घंटे से, टॉयलेट क्यों नहीं आ रहा है? बताऊं?